नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हाफिज नियामत कुरैशी, आप देख रहे हैं राहत 24 न्यूज जौनपुर हाफिज नियामत के साथ। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज दोपहर में सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे फोटो मिली, जो कि वो फोटो समाजवादी पार्टी के युवा नेता जनाब बबलू राइन साहब की थी। तो मैंने उस फोटो को मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया। उसमें सवाल ये था कि जनाब बबलू राइन साहब और उनके कुछ साथी थे, जो कि बहुजन समाज पार्टी का गमछा लगाकर वहाँ पर मौजूद थे बसपाइयों के साथ। तो इसी सिलसिले को लेकर मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने सवाल पूछना चाहा। जैसा कि हमारे साथ इसी सवाल का जवाब देने के लिए उपस्थित हैं जनाब बबलू राइन जी, जैसा कि समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि पोस्ट वायरल हो रही है, लोग इसमें बहुत सारी बातें अपनी अपनी विचार को रख रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई, इस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। बिल्कुल हाफिज साहब, वेलकम है आपका हमारे साथ, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और दिल की गहराई से पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हम नाचीज को, बुझे हुए चीज़ को आपने रोशनी दी है, और इस फोटो को वायरल करके भले ही किसी पर कोई दल एक रहता है, एक दल चुना जाता है। पहले मैं अव्वल तो मैं बसपाई था, मेरी राजनीति शुरू बसपा से हुई। बचपन में समाजवादी हमारे सारे लोग थे, लेकिन हम जब राजनीति चालू किए अपनी, तो मैं बसपाई था। 13 साल बसपा में रहा, और बसपा में रह करके मैं चुनाव भी लड़ा हूँ नगर पंचायत का। बहन मायावती जी ने, बसपा सुप्रीमो, उन्होंने सिंबल ना दे करके हमको अधिकृत किया था, जो कि हवाई जहाज हमारा निशान था। और अच्छे अच्छे नेताओं से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे अच्छे नेतागण इस मछली शहर की सरजमी पर, कैबिनेट मंत्री, डबल डबल विभाग, 10-10, 18-18 विभाग वाले मछली शहर में कदम रखते थे, तो बबलू राइन को अव्वल दर्जा दे करके वेलकम करते थे हम उनका, और अपने मकान पे या हमारे सहयोगी उस वक्त रहा करते थे आली जनाब मोहतरम निसार अंसारी साहब, चैंपियन बीड़ी वाले। सवाल पर आइए, मुद्दे पर आइए, जो आज का सवाल है। जैसा कि सवाल है कि नौशाद अली, जो कि पूर्व MLC हैं बसपा के, और उनकी पोस्ट पर आपकी फोटो देखी गई इस चुनाव से संबंधित, और आज जो है आपको प्रचार में डॉक्टर रागनी सोनकर जी के साथ देखा गया, तो सर इसमें जो है समर्थक लोग, और मैं खुद कंफ्यूजन हूँ तो मैं हूँ, तो थोड़ा सा इसको खुलासा करिए। देखिए, इसकी मैं उसी पे मुद्दे पे बात कर रहा था। बड़े बड़े नेता आते थे, नौशाद अली भी बड़े नेता थे बहुजन समाज पार्टी के, और वो भी आते थे तो हमसे मुलाकात पहले करते थे, और विधानसभा या लोकसभा के अध्यक्ष या प्रत्याशी भी हम ही को इनवाइट करते थे उनको वेलकम करने के लिए। हम उनको ले जाते थे अपने यहाँ मकान पे या किसी अपने सहयोगी के यहाँ। तो ये पिछले चुनाव में सुशीला सरोज जी का बसपा से वो प्रत्याशी थी, मैं बसपा में था उस वक्त, और नौशाद अली साहब आए अबू मियाँ घाटे में, मैंने बढ़िया प्रोग्राम कराया था, उसका वीडियो भी होगा आप लोगों के पास या पत्रकारों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा होगा। उसके बाद ये नाश्ता पानी का प्रोग्राम भी इनका एक अपने अजीज दोस्त के यहाँ रखा मैंने, और वो हमारे साथ गए नाश्ता पानी। और कोई भी नेता आता है, शौक लगता है कि मैं एक फ़ोटो इनके साथ ले लूँ, और खुशी हंसी से मैंने फ़ोटो लिया था। 2017 की बात है, विधानसभा में, और चुनावी पीडीएड का ये फ़ोटो है। और नौशाद अली साहब अभी सुनने में आया है, मैं, मेरी मुलाकात भी नहीं, मैं वो फोन ऑन किए थे हमको, लेकिन सुनने में आया 26 तारीख को वो मछली शहर में आए थे। जी जी, 26 तारीख को मछली शहर में आए थे, अब्बू मियाँ खाते में ही शायद प्रोग्राम था या कहीं था, ये भी नहीं बता सकते हम। और वो भीड़ जो मैं इकट्ठा किया था 2017 में, 5,000-10,000 की भीड़, 2,000 की भीड़ जो रहती थी उनको, वो भीड़ ना दिखाई दे करके वो अपनी सुप्रीमो बहन मायावती जी को दिखाने के लिए
ये पुरानी फोटो हमारी लगा करके अपने फेसबुक से पोस्ट कर दिया है, हमें इतराज उससे नहीं है, अगर कर दिए वो नेता है वो उनको दिखाना तकाना है उससे नहीं, मैं अपनी ये जो सही बात ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि बबलू उस दिन हमारे बड़े नेता हमारी बड़ी नेता भाभी डिंपल यादव जी आ रही थी, हम अपने समर्थकों के साथ अपने सहयोगी के साथ बाइक से हमको जाना था, नगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गए थे कुछ दूर तक, उसके बाद फिर अब हमारे जो समर्थक थे युवा उनके साथ मैं डिंपल यादव के प्रोग्राम में था। सर आपने स्पष्ट कर दी, जैसे कि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जी फेसबुक के माध्यम से जी, कि 26 फरवरी को पोस्ट किया गया है जी। और जैसा कि लगातार नौशाद अली जी जिन जिन विधानसभाओं में जाते हैं, चाहे बनारस हो, अजगरा हो, जखनिया हो, बदलापुर हो, मछली शहर हो, तो सारी जगहों पे जा जाके ये पोस्ट कर दे रहे हैं, तो आपकी भी फोटो इस पे देखिए ये लगी जी जी बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त और सही दिख भी रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें गमछा भी लगा हुआ है जी जी, तो इसीलिए जी जी मैं उसको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपसे, ये गमछा भी लगा है, नौशाद अली साहब भी हैं, हमसे मिलने के बाद उसी दिन वो मीरगंज भी गए थे लेकिन मैं वहां मौजूद नहीं था, मीरगंज उस 2017 की फोटो है, वो वहां गए थे, वहां पे जो फील्ड थी वो वाली फोटो और यहाँ पे जो हमारे साथ 2017 में खिंचाए थे वो फोटो और 2017 मीरगंज वाले डॉक्टर इश्तियाक साहब वगैरह थे, अब वो मानसिकता के बसपा के पहले थे जब मैं था, अब वो सारे लोग समाजवादी मानसिकता के लोग हो गए, समाजवादी में भरपूर सहयोग करके डॉक्टर रागनी जी को इस चुनाव 2022 में उन्होंने जिताने का विजयश्री दिलाने का सहयोग किया है, और ये इनको भीड़ नहीं दिखी, वही पुरानी फोटो अपने फेसबुक से उन्होंने शेयर कर दिया। बहरहाल ये आपका जवाब है जी, ये फोटो जो है पुरानी है जी, और मैं इसके पहले बसपा में था, फिर माननीय जगदीश सोनकर जी हमको ज्वाइन कराए थे, फिर टिकट को ना दिए, वो नाराजगी थी हमारी, हम चुनाव भी लड़े थे कांग्रेस पार्टी से लड़े चुनाव, तो थोड़े वोटों से अंतर रहा, और कांग्रेस का भी फोटो आपको दिखेगा भाई, जिस दल में रहेगा आदमी उस दल की हिमायत करेगा, नहीं वो तो आप थे ही, लेकिन क्या ये फोटो जो है ये पुरानी है, बस ये जी जी बिल्कुल ये पुरानी फोटो है। चलिए, और 26 तारीख को उन्होंने अगर आया था मछली आए रहे होंगे मछली शहर, तो वो 26 तारीख में पुरानी फोटो लगा करके वायरल कर दिया है। बहरहाल जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ बबलू रायन जी थे और इस फोटो को लेकर इन्होंने अपनी बातों को रखा, जैसे कि मैंने अपने सवालों के माध्यम से जनाब बबलू रायन जी से पूछा कि क्या मामला था, इन्होंने अपनी बातों को रखा। बहरहाल इस बात का जनता खुद फैसला करे कि इसमें क्या है, कितनी सच्चाई है। फिर हम मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, इसके लिए मैं अलविदा चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथी जो है समीर हाशमी कैमरामैन, आज़म अंसारी, जनाब शमसुल इस्लाम सीरत कमेटी, आरिफ अंसारी चेयरमैन पद के प्रत्याशी बबलू रायन जी भी मौजूद है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अभी पीस कमेटी की बैठक थी, बैठक के बाद हम लोगों की यहाँ पे फ्रेस वार्ता हुई, इसके लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में जो भी बातें बबलू रायन जी की सही लगती है तो भी जवाब दें, और गलत लगती है तो भी जवाब दें, फिर बबलू रायन जी से इसमें फिर वार्तालाप होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत।